गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपन इसमें डिस्कस कर रहे थे कि कौन से सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की सॉल्वेंट में मिक्स है जिससे सॉल्यूशन बन रहा है, तो इतनी क्वांटिटी इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने टू एग्जांपल्स प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने देखा भी था, उनको सॉल्व करे थे एक फॉर्मूला से। मास जो फॉर्मूला था वो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इनटू 100। इस फॉर्मूला के थ्रू अपन ने इसको सॉल्व करा। वैसे ये पूरे एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल है इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर, जो शुगर है उसकी क्वांटिटी कितनी है 20 ग्राम, इफ डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको डिजोल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में, तो उसको डिजोल्व करके कितना सॉल्यूशन बनता है 200 ml सॉल्यूशन बनता है। देन मास बाय मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, तो आपको कंसंट्रेशन निकालना है शुगर का उस सॉल्यूशन में मास बाय मास परसेंटेज के थ्रू, कि कितनी क्वांटिटी में अपन ने उस सॉल्यूशन में शुगर डिजोल्व करी जिससे कि अपने को 200 ml सॉल्यूशन मिला। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सॉल्व करेंगे क्वांटिटीज राइट कर ले सबसे पहले, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट क्या देगा शुगर, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने से ही सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूट यहाँ क्या है शुगर है, सॉल्वेंट मान लेते वाटर, जो मिक्स करने से 200 ml सॉल्यूशन बना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ शुगर है, शुगर अपने ली कितनी ली 20 ग्राम्स, कितनी ली 20 ग्राम्स। अब बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा कि वाटर है या और कोई अदर लिक्विड है, तो अपन इसको ऐसे रह देते हैं, और इसका कितना दे रखा है 200 ml। देखिए यदि सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है उससे परसेंटेज आपको निकालनी है मिक्सर में या सॉल्यूशन में, तो दोनों यदि सॉलिड दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी सॉलिड जो मिक्सर बन रहा है वो भी सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, तो अपन मास बाय मास परसेंटेज से निकालते हैं। कोई एक सॉलिड या एक लिक्विड दे रखा हो तो वहाँ वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, जो वॉल्यूम अपन क्या लेंगे ml में लेंगे लिक्विड की और सॉलिड की ग्राम्स में, ठीक है, मास सॉलिड का ग्राम्स में लेंगे और वॉल्यूम मास को लिक्विड के लिए क्या कहेंगे वॉल्यूम, जो कि ml में अपन लेंगे। कुछ भी फर्क नहीं, फॉर्मूला में मास की जगह इसमें वॉल्यूम अपन फीड कर देंगे। तो अपने को किसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज पूछी शुगर की सॉल्यूशन में, तो आप पहले फॉर्मूला राइट कर लें। सो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आपको ये परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज शुगर का इसमें डिजॉल्व है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर परसेंटेज आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट शुगर, ठीक है, अपॉन यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन जो है लिक्विड है वॉल्यूम में है, तो आप क्या राइट करेंगे मास के लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला था परसेंटाइज निकालने का, बस पहले मास यूज करते थे वॉल्यूम यूज करके आई लिक्विड के लिए फॉर्मूला। अब वैल्यू आप इस फॉर्मूला में फीड कर दीजिए, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 20 ग्राम्स, इसकी जगह मैंने 20 ग्राम राइट कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए 200 ml है, तो मैंने 200 राइट कर दिया और मल्टीप्लाई में 100 भी है, ये 100 सॉल्व कर दीजिए, 0 से 20 कैंसिल, 2 1 0 2 10 20, अपने पास जो आंसर आया शुगर कितनी परसेंट डिजॉल्व है 10%,
जो 200 ml सॉल्यूशन अपने को मिला है उसमें शुगर का कितना परसेंट कंसेंट्रेशन है, 10%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, इस टाइप से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन नेक्स्ट। ऐसा ही सिमिलर ही एग्जांपल है, सेम टू सेम उसी फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 30 ml ऑफ एल्कोहल होता है, वो वाइन होती है, शराब होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। इसकी मेडिसिन बनाने में यूज होता है लार्ज स्केल पर, 80% इसको वैसे भी कंज्यूम करते हैं। तो ये एल्कोहल है C2H5OH, 30 ml है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 30 ml, क्योंकि लिक्विड में, लिक्विड का जो मास में कहेंगे उसको क्या कहेंगे अपन, वॉल्यूम, क्या कहेंगे, वॉल्यूम। तो जो 30 ml इसका वॉल्यूम है एल्कोहल का, इस प्रेजेंट इन 300 ml सॉल्यूशन। 300 ml का कोई सॉल्यूशन है उसमें अपन ने 30 ml एल्कोहल मिक्स किया हुआ है, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से आपको एल्कोहल की परसेंट निकालने की, कितना कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में एल्कोहल की क्वांटिटी है, कितना परसेंट एल्कोहल उसमें मिक्स किया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों कहा, क्योंकि एल्कोहल भी लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड है, तो इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन अपन कह सकते हैं। तो सॉल्व करते बहुत इजी है, सॉल्व करें। लेकिन सबसे पहले अपन क्वांटिटीज राइट कर लें, तो मास की जगह वॉल्यूम राइट कर लें। वॉल्यूम मान लो ये कोई सॉल्यूशन बना है, ठीक है, ओवरऑल कितना सॉल्यूशन है ये 300 ml, और इसमें जो सॉल्यूम की क्वांटिटी जो एल्कोहल है कितना मिक्स है 30 ml। तो इस 30 ml से मिक्स होकर ये क्या बना है, 300 ml सॉल्यूशन बना है। तो इस 300 में जो 30 ml एल्कोहल की अपने को कंसंट्रेशन कैपेसिटी निकालने की, कितनी क्वांटिटी में कितना परसेंट है ये मिक्स है। देखिए सॉल्व कर रहे, पहले राइट कर रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूम, पहले क्या राइट कर रहे थे मास ऑफ सॉल्यूम, ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूम राइट कर दीजिए। यहाँ सॉल्यूम क्या है एल्कोहल, कितना है मेरे पास 30 ml, कितना है 30 ml। अब नेक्स्ट पहले ले रहे थे अपन ने मास ऑफ सॉल्यूशन, अब यहाँ ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास 300 ml। देखिए सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है कितनी है 300 ml। तो आपसे कंसंट्रेशन पूछा है, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या आपके पास एल्कोहल, एल्कोहल की कंसंट्रेशन आपको निकालने से फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम, पहले मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्या लेंगे मास की जगह वॉल्यूम राइट कर देना, सेम ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। पहले मास और सॉल्यूट एक ही चीज है, सॉलिड में तो मास, लिक्विड में है तो वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में मेरे क्वेश्चन है आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 30 ml, तो 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ml, नीचे राइट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 है, सॉल्व कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 3 × 3 = 30। एल्कोहल की कितनी परसेंट क्वांटिटी सॉल्यूशन में मिक्स है 10%, ये आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा कि 10% एल्कोहल से 300 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन 10% इसमें डिजॉल्व है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। थैंक यू।